एमआरडीसी पुलिस थाना अंतर्गत बेहद ही हैरतअंगेज और अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां 12 वर्ष की बेटी का 22 वर्ष के युवक से विवाह किया गया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं अब दोनों के माता पिता पर भी मामला दर्ज करने की तैयारी कर रही है, ऐसी जानकारी पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने दी। सूत्रों के अनुसार एमआरडीसी थाना क्षेत्र में 12 वर्षीय बालिका और 22 वर्षीय युवक में प्रेम संबंध हो गए। करीब एक वर्ष के दौरान उनके बीच शारीरिक संबंध भी बने। कुछ महीनों बाद बालिका गर्भवती हो गई। यह बात पता चलते ही बालिका और युवक के पालकों ने आपसी सहमति से पिछले माह फरवरी में उनकी शादी करा दी। दोनों किराए का कमरा लेकर साथ में रहने लगे। बालिका गर्भवती होने से उसका पेट बढ़ता जा रहा था, ऐसे में उसे सरकारी हॉस्पिटल ले जाया गया। इसी बीच बालिका को देखकर एक आशा वर्कर को उसकी उम्र को लेकर संदेह हुआ। उसने तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया और फिर सारा मामला सामने आया। इसके बाद पुलिस ने युवक के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। युवक की गिरफ्तारी के बाद बालिका ने थाने में खूब हंगामा किया। उसकी बातें सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। वह युवक को अपना पति कहकर उसे निर्दोष बताती रही। उसने पुलिस से कहा कि उसका या किसी का कोई भी दोष नहीं है, फिर मामला क्यों दर्ज किया और उसे गिरफ्तार क्यों किया। ऐसे में कुछ देर के लिए पुलिस भी बालिका को समझाने में मशक्कत करती रही। इस संदर्भ में पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने अधिक जानकारी साझा की। हो, एका प्रकरणात एका 12 वर्षाची मुली हॉस्पिटलला प्रेग्नंट स्टेजला गेली होती आणि त्यांचे काही मेडिकल इश्यूज होते, म्हणून हॉस्पिटलकडून आम्हाला सूचना मिळाली होती की एका मायनर गर्ल प्रेग्नंट झालेली आहे। तर त्या अनुषंगाने चौकशी करण्यात आला आणि अशा दिसून आला की ते मुली काही शेजारी राहणारे मुलांसोबत 22 वर्षाचे मुलं होता, त्यांच्यासोबत काहीतरी गैरप्रकार झाला होता आणि ते मुली प्रेग्नेंट होती। ते फॅमिलीचे लक्षात आल्यानंतर फॅमिलीने त्यांच्याशी लग्न करून दिली होती आणि ही सगळी गोष्ट समोर आल्यानंतर एक रेपचे पॉक्सो ॲक्ट आणि चाइल्ड मॅरेज ॲक्ट प्रिव्हेन्शन ॲक्टचे जे सेक्शन्स आहेत त्या अनुषंगाने गुन्हा दाखल करण्यात आलेली आहे आणि 22 वर्षाचे जे मुलं आहे, जे आरोपी आहेत, त्यांना अटक करण्यात आलेली आहे। प्रकरणात पुढे तपास सुरू आहे। त्याचबरोबर मुलींचे पण हेल्थ इश्यूज जे आहे त्याबद्दल निर्णय घेण्यात येत आहे। हो, हे शेजारी राहत होते आणि एकमेकाचे ओळखीचे होते, ही खरी गोष्ट आहे। एकच समाजाचे पण आहे आणि त्याच्यामुळे हे झाला होता। आता हे चाइल्ड मॅरेज ॲक्ट मध्ये आरोपीचे आई वडील आणि मुलींचे आई वडील पण आरोपी होणार आहे। आरोपी जे आहे त्यांचे आई वडील यांना अटक करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे। मुलींचे सध्या हेल्थ इश्यूज चालू असल्यामुळे त्यांचे नातेवाईकांना अटक करण्याबद्दल निर्णय नंतर घेण्यात येईल। बता दें कि पुलिस दोनों के ही माता पिता को गिरफ्तार करने की फिराक में है। हालांकि जहां एक और बाल विवाह को लेकर सरकार की ओर से बीते एक लंबे अरसे से जन जागृति की जा रही है, वहीं ऐसी किसी घटना का सामने आना कई सवाल या निशान खड़े करता है। कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ दिशा हटवार, VKB न्यूज, नागपुर। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।